राइट में मत आना बेटी, राइट में मत आना। उस्ताद थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, लाइट दोनों से बोल रहा हूँ, इधर मत पूछो, लाइट दे दो, लाइट 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 दे दीजिए, लाइट नहीं ऐसे लो, चलो वहाँ लगा दे, किडनी बेच दूंगा साले, अपनी बेचना तो मुझे तेरी बेच दूंगा मैं। एसेट कोई रीजन नहीं है, हम सब आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा था गाना। द मेन रीजन वाज सॉन्ग वाज वेरी गुड और जो आर्टिस्ट थे रणदीप वो भी बहुत अच्छे थे, तो बस यही रीजन था और बहुत अच्छा गाना था, तो आई एंजॉयड आल्सो शूटिंग। बहुत सारे इंसिडेंट थे जो मेमोरेबल थे, एक्चुअली हमने जाकर गांव में शूट किया था हरियाणा में, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स मोमेंट्स जो बहुत मेमोरेबल थे बिकॉज वहां पर हमें ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत मज़े किए मैंने और खुशबू ने, तो बहुत इन्जॉय किया है। होटल्स भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा गाँव वाली लोकेशन थी, रॉ लोकेशन थी, तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं छोटे छोटे और हर शूट की एक अपनी मेमोरी होती है, तो इसकी भी थी, मजा आया। द मेन रीजन वॉज एक्चुअली वहाँ पे सॉन्ग में इतने सारे ब्यूटीफुल पार्ट्स है एंड यू नो द सॉन्ग इज वेरी सूदिंग एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज you know go for a soothing song, like mera personal favorite hai soothing, and the moment I heard this song I was like no I have to do this. And the second thing is shoot Haryana mein tha, gaon mein tha, we've always been staying in metro cities and gaon mein jana wahan shoot karna wo life experience karna was very different and I like that experience. Anjali, what do you think Ajay sir, Ajay Suneel na, he's the main person behind the project and about Satyam Suneel the director. Kya karna chahenge, kis tarah ka corporate kiya aap logon ne aur unhone kaise corporate kiya? Ajay ke liye to Ajay is a very very good friend. And apart from all that, he's a very good human being. वहाँ पर हम लोग थे, he was the producer. लेकिन एक भी बार ऐसे feel नहीं हुआ कि कोई producer है. He was very friendly, very supportive. तो अजय के लिए तो always he's a very good friend, very good human being. और सत्यम was very good. He was creative. और जितने भी उनका जो idea था, जो theme था song का, वो बहुत अच्छा था. और वहाँ पर भी जाकर वो बहुत cooperative थे. बहुत सारी problems थी वहाँ पर, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से shoot complete किया. तो he was obviously very good. अजय सर इज़ अ फैमिली, सो हमें लगा ही नहीं कि हम काम के लिए गए हैं, ऐसे ही लगा कि हम लोग फैमिली के साथ है और सब एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे, वेल कोऑर्डिनेटेड था. हाँ बट बारिश हुई, बट उसके बाद भी हमारा शूट इतना अच्छा गया और हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले. एंड सत्यम इज़ अ वेरी क्रिएटिव DOP एंड डायरेक्टर, ही इज़ लिटरली डन अमेजिंग वर्क. इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए शूट में बट उसको पता है कब क्या लेना है एंड देन ही इज डन एन अमेजिंग जॉब. अंजलि, वन एंड हाफ इयर्स काफ़ी डिफिकल्ट ट्रांसफर किसी के लिए, तो आपका कैसा रहा प्रोफेशनल करियर, डेढ़ साल में क्या किया आपने, किस तरह से मतलब यू नो फेस द कंडीशंस? डेढ़ साल ऑब्वियसली सबके लिए बहुत मुश्किल था और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल था. आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्टिंग, तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई, तो ऑब्वियसली सबके लिए ही मुश्किल था, मेरे लिए स्पेशली तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं रहा. सिचुएशन कैसे फेस किया, सिचुएशन तो जैसे सबने डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं कोविड में वैसे ही फेस किया है. तो ये डेढ़ साल मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज होम और एज सच कोई प्रोजेक्ट किया नहीं. इसके पहले एक प्रोजेक्ट लाइंड अप था, वो भी कोविड की वजह से रुक गया, तो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट स्लोली वी आर कुकिंग अप.
थे, इसको कंपोज किया और फिर काशी सर मतलब एज अ कंपोजर दे डिसाइड कि उनको किससे गवाना चाहिए या हु वुड बी द मोस्ट सूटेबल फॉर द सॉन्ग. सो दैट इज़ व्हेन ही चोज अस, मी फॉर द फीमेल सेक्शन एंड राहुल फॉर द मेल सेक्शन. बट यू नो द कंपटीशन इज ह्यूज आज के दौर में, कंपटीशन इतना है म्यूजिक वीडियोस मार्केट में, इतने ज्यादा आते हैं. तो यू नो एज अ सिंगर व्हाट यू फील कि व्हाट डू यू डू डिफरेंट टू, मतलब अलग होने के लिए क्या करते हैं आप? या दैट इज एब्सोल्युटली राइट कि कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है, व्हिच इज व्हाई वी ट्राई टू कीप द मेलोडी इंटैक्ट इन द सॉन्ग. राइट, आप लोगों ने टीजर में भी सुना होगा कि इसको हम लोगों ने बहुत रोमांटिकली, इट्स अ लव सॉन्ग, तो मेलोडी इसमें हमने काफ़ी इंटैक्ट रखी हुई है. जो प्रोग्रामिंग हुआ है, जो अरेंजमेंट्स है, वो भी इसको काफ़ी हम लोगों ने मेलोडियस ही रखा हुआ है. सर आपसे ना चाहूँगा, ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट यू टू से द रीजन फॉर इट एंड अबाउट अजय सर एंड अबाउट सत्यम सर. आई थिंक आई एम एसोसिएटेड विद अजय जी एंड काशी जी फ्रॉम अ वेरी बिग टाइम. आई बिलोंग टू इंदौर एंड आज ये बात बहुत अच्छी है कि काशी जी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंदौर एंड अजय भाई इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंदौर, यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंदौर. सो यू नो इट्स प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं यू नो जो बहुत अच्छे लगते हैं आपको इस शहर में. सो ऐसे ही ये शख्स हैं अजय भाई. मैंने काशी जी के लिए, आई थिंक काशी जी को भी मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और बहुत टाइम से हम कुछ साथ में करना चाह रहे थे बट कभी हो नहीं पा रहा था. सो मुझे ये गाना उन्होंने भेजा कि राहुल ये करना है, तब मुझे ये नहीं पता था कि अजय भाई का. एंड देन यू नो देन इट ऑल स्टार्टेड, आई थिंक वी डब्ड इट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. मुझे याद है मेरे घर पे आके हमने डबिंग करा था और गाना बहुत खूबसूरत था. सो मैंने इसके लिए यस बोला एंड देन फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई. बहुत अच्छा, मैंने भी आज ही वीडियो देखा है. सो आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से निकल के आया है गाना एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत सारा प्यार मिले. एंड वन मोर थिंग, मोर ऑफ द सिंगर्स आर फीचरिंग इन म्यूजिक वीडियो, तो उससे क्या होता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या ज़्यादा मिलती है? यू नो वर्क प्रोजेक्ट व्हाट व्हाट यू टू कमेंट, जैसे जुबिन को देखिए आप हर प्रोजेक्ट में नजर आते हैं, इवन नेहा कक्कर यू नो बीइंग एन सिंगर डूइंग एक्टिंग ऑन द म्यूजिक वीडियो, तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? करेक्ट, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो गाना गा रहे हैं. सो मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट जो होते हैं हम शायद स्क्रीन पे अगर आते हैं तो हम भी वो चीज़ अच्छे से फील कर सकते हैं. सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है. आई एम ऑल्सो कमिंग इन लॉट ऑफ वीडियोस एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आज से पहले जब बहुत सारी अच्छी अच्छी वॉइस रहती थी इवन 90s में, उससे पहले भी, सो हम जानते थे वो आवाज़ कौन है बट हम वो चेहरा नहीं पहचानते थे. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है. आई थिंक फिल्म्स जो कम हुई है उसकी वजह से म्यूज़िक वीडियोस एंड सिंगल्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड उसके कंज्यूमर्स बहुत बढ़ गए हैं. सो आई थिंक सिंगर्स जब फीचर कर रहे हैं एक म्यूज़िक वीडियो में, सो वो सभी के लिए अच्छा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है बिकॉज इट क्रिएट्स दैट फेस वैल्यू विच हेल्प्स इन एवरीथिंग. एंड मैम व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ, आई मीन व्हेनेवर यू गेट अ ऑफर फ्रॉम अ यू नो फॉर अ प्लेबैक सिंगिंग, तो बॉलीवुड मूवीज द प्रेफरेंस और यू नो म्यूजिक वीडियोस, अगर कैसा प्रोजेक्ट है उसके अनुसार आप कैसे डिसाइड करते हो? बिकॉज वी एज सिंगर्स एंड आर्टिस्ट, हम लोगों के लिए इवेंचुअली इट इज म्यूजिक एंड अ सॉन्ग दैट वी आर सपोज टू सिंग एंड ऑल्सो डू जस्टिस टू द सॉन्ग जो ऑडियंस को पसंद आए. तो बी इट अ म्यूजिक वीडियो, अ सिंगल और अ मूवी इन एनी अदर लैंग्वेज, सो इट कुड बी एनी प्रोजेक्ट. जस्ट दैट ये जो कोलैबोरेशन रहा है ये बहुत प्यारा रहा है, ये जो पूरी टीम है ये बहुत अच्छी रही है. तो जब ऐसी टीम मिलती है तो वो प्रोजेक्ट कोई भी हो, वेदर अ मूवी और अ म्यूजिक वीडियो, अच्छा ही होता है. एंड व्हाट आफ्टर दिस, आई मीन आर यू वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट राइट नाउ और लुकिंग? ओह यस, आई हैव बीन डूइंग प्लेबैक इन सम मूवीज, तो आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों वाले गाने भी सुनेंगे. और जैसे कि अभी आपने बोला कि सिंगर्स फीचर भी हो रहे हैं, सो आई एम ऑल्सो फीचरिंग इन अ फ्यू ऑफ द म्यूजिक वीडियोज, तो अगले कुछ दिनों में आप लोगों को देखेंगे. सर व्हाट अबाउट यू? कुछ फिल्में थी बहुत टाइम से जो रुकी हुई थी, फाइनली दे आर कमिंग आउट. नवंबर में कुछ फिल्म है, सरोज का रिश्ता फीचरिंग शाहिद कपूर सिस्टर सना कपूर, उसके गाने अक्टूबर में आ जाएंगे. देर आर लॉट ऑफ सिंगल्स, आई एम डूइंग टेलीविजन, आई एम डूइंग फ्यू वेब सीरीज, बहुत सारा कॉन्टेंट है. एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी, दे आर सिंगल्स जिनमें बहुत सारे गानों में मैं खुद फीचर कर रहा हूँ. सो आई एम
रियली एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग. इतने टाइम में जो गाने बनाए हैं वो फाइनली अब बाहर आने वाले हैं. थैंक्स फॉर द प्रेजेंट. थैंक यू सो मच. लिरिक्स एंड अबाउट द म्यूजिक यू गेव. ये आजकल तो जो गाने चल रहे हैं वो बेसिकली सैड रोमांटिक सॉन्ग है, तो हल्का फुल्का हमने इसमें रोमांस भी रखा है और ट्यून में भी वो बात रखी है ताकि सबको अच्छा भी लगे. तो वो भी एक बड़े ब्रांड में रिलीज हुआ है टी सीरीज में, यू नो बहुत डिफिकल्ट होता है रिलीज करना, इतना आसान नहीं होता है. तो किस तरह से आपने अपना वो जो भी चुनौती था या किस तरह से फेस किया उसके बारे में बताइए कि देखिए आज जो ट्रेंड चल रहा है अगर आप उस ट्रेंड में गाना बनाते हैं तो डेफिनेटली वो कोई भी कंपनी है वो डेफिनेटली लेगी. और अजय जी ने इतना अच्छा प्राइस किया था, स्टार वगैरह भी बहुत अच्छे. सर व्हाट अबाउट योर कोऑपरेशन फॉर द म्यूजिक वीडियो, हाउ यू हैव कोऑपरेटेड एंड व्हाट अबाउट द सिनेरियो राइट नाउ अबाउट द म्यूजिक वीडियो मार्केट. हां आजकल का जो म्यूज़िक चल रहा है बेसिकली उसके लिए बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत कुछ काम जो मैंने किया है आप जल्दी देखेंगे उसको. और ट्रेंड के हिसाब से जो भी है उस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकूँ, और कोशिश है अच्छा कुछ अच्छा करने की. और बाकी अच्छे हैंड्स मिल जाएँ, अच्छे लोग मिल जाएँ, अच्छी जगह मिल जाए तो सब कुछ ईजी होता है. अजय जी जैसे साथ में हमारे उनका सपोर्ट मिला और उनके थ्रू चीज़ें ईजी वे में होती जा रही हैं. और जैसा मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह कुछ प्रेजेंट कर सकें. और ये जानना चाहूँगा कि जो यू नो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, उसमें जो गाने होते हैं या लिरिक्स होते हैं और जो म्यूज़िक वीडियो में, क्या डिफरेंस आप पाए अभी तक इन चीज़ों दोनों में काम करके? नहीं मैं आपको सच बताऊँ ऐसा डिफरेंस तो मुझे कुछ नहीं, गाना गाना ही होता है. ओके. चाहे वो फिल्म में आए चाहे, और अभी आजकल का तो बहुत अच्छा हो गया कि अभी फिल्म और सिंगल वीडियोज़ में कोई फ़र्क नहीं रह गया. आप चाहे फिल्म में गाना आता है तो भी वो भी प्लेटफॉर्म्स में आते हैं, और अगर आपने फिल्म में म्यूज़िक किया है बेसिक चीज़ है आपका गाना अच्छा होना चाहिए, आपका गाने का अच्छा लिरिक्स अच्छा है तो उसको सब पसंद करते हैं चाहे वो फिल्म में है चाहे फिर वो सिंगल वीडियोस में है. बट लास्टली ये भी कहना चाहूँगा कि आज के जो भी गाने आते हैं लॉन्गविटी नहीं होती है, मतलब यू नो फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वो सुनते हैं लोग गाने फिर भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई गाने आ सकता है मतलब फ्यूचर में ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री में हो सकता है कि जो 90s में होता था कि हाँ काफ़ी समय तक लोग सुनते थे? पहले क्या होता था कि बहुत टाइम से गाने आते थे, महीने महीने दो महीने में गाने आते थे, अभी एवरीडे चार पांच गाने आते हैं, याद रखना बहुत मुश्किल होता है. और उसमें अगर कोई गाना हिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वेरी डिफिकल्ट. सर आपसे जानना चाहूँगा कि अजय सर के साथ एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे उस बारे में? हाँ जी, अजय जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं हम लोग, और हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं. जैसे इस प्रोजेक्ट पर भी हम लोग साथ में ही हैं, अभी विद इन 10 days हमारा अगला प्रोजेक्ट भी आने वाला है टी सीरीज के साथ. और हम कुछ वेब सीरीज, कुछ फिल्म और एल्बम तो हम लोग कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं. और इसके बाद अभी जैसे इसके तुरंत के बाद अभी खुशबू बैठी हुई थी यहाँ पर, अंजलि थी, उनके साथ भी हम अपना पागल हो गए करके एक एल्बम हमारा बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है. और बहुत सारे एल्बम्स हैं, कुछ अजय जी ने इतना अच्छा लाइनअप किया हुआ है कि कुछ कुछ समय में आपको हर महीने कुछ ना कुछ हमारा आपको सुनने को मिलता रहेगा. तो क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस यू नो 7 हॉर्स स्टूडियो जो सेटअप है, जो फैसिलिटीज अपने तो उसके बारे में बताइए कि क्या फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं आप? 7 हॉर्स स्टूडियो तो मैंने अभी स्टार्ट किया मैंने, और 7 हॉर्स स्टूडियो में हम लोग काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं. और फिलहाल अभी यही गाना था जो तेरे बिना, उसके बाद फिर एक 10 से 15 दिन के बाद और एक गाना लॉन्च होने जा रहे हैं हम लोग जान, उसके कंपोजर बैठे थे थोड़ी देर पहले हमारे शैलेंद्र जी. और उसके बाद और एक गाना शूट होने वाला है, इसे ट्रैवलिंग सॉन्ग जो हम लोग मनाली जी के साथ में कर रहे हैं, वही फीचरिंग होगी इस गाने में. और शूट करने जा रहे हैं हम लोग लेह लद्दाख खुशबू के साथ में एक गाना कर रहे हैं. उसके बाद फिर और भी सब लाइनअप है, अंजलि के साथ में भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ में और भी गाने हैं मेरे आ रहे हैं मेरे, बस चल रहा है जर्नी. तो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतने साल से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि फिल्में बनाना तो आसान होता है, रिलीज करना मुश्किल होता है, म्यूजिक वीडियो का सिनेरियो क्या है? बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और रिलीज करना कितना मुश्किल या आसान है? म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूसर की लग जाती है. अभी बताऊँ आपको, मैं जब भी मैं ये शूट कर रहा था गाना, ये तो एक गाना शूट कर लूँ, हम लोग जब भी जाते हैं आउटडोर जाते हैं तो दो गाना शूट करते हैं. तो जब भी हमने एक गाना शूट कर लिया, हमने जब दूसरा गाना का सेटअप लगाया हमने वहाँ पे, पूरा आर्ट डायरेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, वो शाम को हो गया बारिश. मतलब मेरा पूरा नुकसान हो गया, जो मैंने आर्ट डायरेक्शन लगाया था, मैंने हर चीज़ में सब भीग गया उसमें, और मैं आ गया टेंशन में, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया. अब एक प्रोड्यूसर को पूछो बारिश होने के बाद क्या दिक्कत आती है, सब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया, नुकसान हो गया अलग से.
फिर मुझे जो गाना शूट करना था, मुझे ये जो गाना है तेरे बिना शूट करना था मुझे दो दिन में, मुझे और भी लोकेशन यूज़ करने थे मुझे, लेकिन मुझे शूट करना पड़ा सिर्फ एक दिन में क्योंकि मेरा बजट एकदम लिमिटेड था मेरे साथ में, क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है कि एक कम बजट में कैसा खेलना चाहिए उसे, कैसा उसको एक छोटे प्रोजेक्ट में छोटे बजट में उसको किस तरीके से उसको बड़ा दिखाना है। तो फिर एक दिन में मैंने कम से कम इसको मैंने 10 घंटे में शूट किया और सभी ने मतलब इतना काफ़ी मेहनत किया, अंजलि ने काफ़ी सपोर्ट किया, खुशबू ने, मतलब इनको टाइम पे खाने को मिला नहीं इन लोगों को और बहुत गाली दे रही थी मुझे ऐसा कुछ नहीं और खुशबू भी मतलब मैं एक्चुअली जहाँ रहना था इनके साथ में एक था कि हरियाणा की जो गलियाँ थी रात को 1:30 बजे इतना अंधेरा, वहाँ पे कोई इंसान तो कुत्ता भी ना भटके, ऐसी जगह में इनको रात को 1:30 बजे मैंने टेम्पो से छोड़ा इनके होटल में टेम्पो छोड़ा, बोला भाभी जा मेरे माँ अभी तो जा यहाँ से बाबा मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो इसके बाद फिर जर्नी चला। तो अजय जी ये भी जानना चाहेंगे तेरे बिना जो गाना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और खास करके दो लड़कियों को लेने का वजह क्या है? इस गाने में ऐसा था सिचुएशन वाइज मुझे शूट करना था, इस गाने में स्टोरी लाइन दिखाना था, आजकल तो सबको स्टोरी लाइन ही ज़्यादा पसंद आती है इसमें, तो स्टोरी लाइन के साथ में मैं चला उसमें, जो स्टोरी लाइन में था कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है उसके ऑफिस में, ठीक है, एक लड़की जो है उसको बचपन से चाहती है लेकिन कभी लड़का कभी उसको अपने आप एकदम क्लोज फ्रेंड मानता है, एकदम दोस्त मानता है, फैमिली मानता है, लड़की उससे प्यार करती है लेकिन लड़का किसी और से प्यार करता है। इस गाने का यही तात्पर्य है कि शूट हुआ गया इसमें, और इसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, इसमें सपोर्ट मिला मुझे किशन कुमार जी का, जो टी सीरीज़ के सब जानते हैं आप लोग, टी सीरीज़ के ओनर भी हैं किशन कुमार जी, उन्होंने बोला जी टेंशन मतलब मैं हूँ तेरे साथ में तू जा, तो फिर मैं गया टी सीरीज़ में, गया मेरा काम बन गया मेरा जो भी। ओके अंजलि जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि पूरे गाने में तो आप हैं लेकिन लास्ट में टर्न एंड ट्विस्ट आता है और आप आउट हो जाते हैं फ्रेम से, और तब कैसा लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है और उस समय कैसा सिचुएशन रहा और फेस किया आपने? ऑब्वियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो। तो इसमें जैसे कि स्टोरी इन्होंने बताई, बचपन से वो उसे चाहती है और एंड में उसे मालूम पड़ता है कि वो किसी और को चाहता है, तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। तो वो बस चले जाती है, वो उसको कुछ नहीं बोलती है, वो बस मुंह फेर के चले जाती है, छोड़ देती है उसको उसकी लाइफ में, माफ कर देती है। हाँ, माफ कर देती है, पर्स भी वापस दे देती है उसे, पर्स भी वापस दे देती है उसे, जैसे ही पता चलता है वो कहती है कि ठीक है आप खुश रहो मैं जाती हूँ, बस पर्स पैसे भी दे देती है। दूसरी बात ऐसी है कि मतलब हमने इसमें इतनी अच्छी अदाकारा है ये कि हमने उस गाने में जो हम लोग ग्लिसरिन तक यूज़ नहीं किया इन्होंने जो शॉट दिया इन्होंने नेचुरल रोना मुझे आंसू वे करना। हाँ लेकिन मेरा शूट एक दिन में, मतलब एक दिन भी नहीं मैं कब बोलूँगी, एक दोपहर में लोगों ने पूरा, मेरे को इतना सा टाइम मिला था कि एक दोपहर में पूरा शूट हो गया था मेरा। तो जितने भी सीन्स आप देख रहे हो वो बस 2-3 घंटे का शूट है जो हमने बहुत ही जल्दी जल्दी किया था, तो मुझे ऐसे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था शूट। एक लास्ट ओके, खुशबू जिस कोई लड़का अगर आपको चाहता है वही अगर मिल जाए, जैसे अभी गाने में हम देख रहे थे कि उसके कंधे पर आप सर रख के वो कर रहे, तो जो चाहता है वही मिल जाए, वो वही हुआ आपके साथ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? तो ऑब्वियसली आप जिससे प्यार करते हो आपको मिल जाता है तो उसकी अलग खुशी होती है, वो खुशी आपको दिख रही है गाने में, आई एम ग्लोइंग आई एम ब्लशिंग सो हाँ आई एम हैप्पी। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या बैक स्टोरी है कि एक लड़की भी उससे प्यार करती है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट गर्ल, बट ऑन दी अदर हैंड आई एम हैप्पी कि मेरा प्यार दूर जाने के बाद भी वो मुझे याद करके खुश है एंड ही इज यू नो कमिंग बैक टू मी। अजय जी एक लड़की से भी काम चला सकते थे आप, लेकिन दो दो लड़कियां लिया, क्या इसके पीछे क्या है? दोनों अपने बच्चे हैं अभी देखिए इतनी म्यूजिक वीडियोस आते हैं लेकिन अक्षय का जो फिलहाल सॉन्ग है वही सबसे ज्यादा चला अभी तक यूट्यूब पे, तो वो क्या करना चाहिए, वो मेंटेलिटी कब दूर होगी लोगों की, अक्षय चाहिए, अमिताभ चाहिए, ये चाहिए, मतलब बड़े स्टार चाहिए? सच क्या है जब तक हम लोग नए को प्रमोट नहीं करते ना वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कभी ना कभी उनको ही मौका दिया गया ना किसी ने, ठीक है, उनको भी किसी ने हाथ रखा था उनके ऊपर तब तो आगे बढ़े वो, अगर हम लोग अगर न्यू जनरेशन को न्यू टैलेंट को आगे नहीं हाथ डालेंगे तो कौन करेगा उनको? कोई भी बोलता है आपके इंस्टाग्राम में कितने आपके फॉलोअर है, हाँ आपके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर है, उसको भले ही एक्टिंग आती हो या ना हो, ठीक है ना, एक्टिंग आती हो ना हो
1 मिलियन फॉलोअर है, हाँ चलो इसको अंदर ले लो, इसको हम करते हैं। और जिसको एक्टिंग आती है, इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, उसको हार्डली 4,000